दोस्तों मैंने क्या किया है कि यहाँ पर मार्क लगा लिए। अब वो मार्क मैं आपको जब पिस्टन को कनेक्शन रॉड के अंदर असेंबल कर लूँगा, कनेक्ट करूँगा, फिर आपको समझाऊँगा। तो अभी इस तरह मार्क लगा रखे हैं कुछ मैंने, आप देख सकते हैं। अब अगर इनके कई बार पिस्टन पर मार्क नहीं होता है तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जिससे कि हम ये पहचान कर सकते हैं कि हमारा पिस्टन इनलेट की तरफ है या एग्जॉस्ट की तरफ है। तो ये हम कैसे पता करेंगे, तो वो मैं इस मार्कर की मदद से आपको बिल्कुल पक्का कंफर्म करके बताऊंगा कि कौन सा किधर की साइड है। तो मैंने चार स्टड है यहाँ पर दिखाई आप, मैंने चार स्टड को फिट कर लिया है। अब ये चार स्टड है चारों दिशाओं में है। इसके अंदर की रिंग को कैसे सेट करेंगे वो भी मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसमें मार्क कर लेता हूँ, फिर मार्क करके आपको समझाऊंगा कि मैंने कौन सा मार्क किधर लगाया है। तो चलिए दोस्तों मैंने क्या किया है कि यहाँ पर मार्क लगा लिए हैं। अब वो मार्क मैं आपको जब पिस्टन को कनेक्शन रॉड के अंदर असेंबल कर लूँगा, कनेक्ट करूँगा, फिर आपको समझाऊँगा। तो अभी इस तरह मार्क लगा रखे हैं कुछ मैंने, आप देख सकते हैं। तो ये वाले मार्क मैं आपको तभी समझा पाऊँगा जब मैं इसके अंदर लगा लूँगा। तो मैं यहाँ पर फिट कर लेता हूँ इसको, और दोनों साइड लॉक लगा ले, लॉक लगाने के बाद ही आपको बताऊँगा। तो फाइनली मैंने जो है पिस्टन को कनेक्शन रॉड के अंदर लगा लिया है। तो अब इस पे मैंने जो भी मार्किंग वगैरह करनी है वो मैंने कर ली है। एक बारी मैं फिर से थोड़ी सी मार्किंग कर देता हूँ। तो यहाँ पर मार्क करने के बाद क्या होगा कि आपको समझने में आसानी होगी। बट ये चार स्टड को मैंने लगा रखा है, तो ये चार जो तीर है ना ये चारों दिशाओं में है। एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अब हमने करना क्या है कि जो हमारे कंप्रेशन रिंग होते हैं बड़े वाले मोटे वाले रिंग, वो हमने इनलेट की तरफ रखने हैं इन दोनों दिशाओं में, ऐसे करके, एक इस दिशा में, एक इस दिशा में। और जो हमारे पतले वाले रिंग हैं जिन्हें ऑयल रिंग बोलते हैं या लिक्विड रिंग वो भी बोल सकते हैं, तो जो हमारे इधर वाले रिंग हैं पतले वाले, वो हमने एग्जॉस्ट की तरफ दोनों दिशाओं में रखने हैं। कभी भी हमने गजन पिन की सामने, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं कि इन इनके सामने आमने सामने रिंग लगा देते हैं, वो बिल्कुल रॉन्ग तरीका है। वो रॉन्ग क्यों है कि आप सपोज करो ये जो इतना एरिया है, सरफेस है ये हमारा पिस्टन का, ऐसा ही सेम एरिया उधर की साइड होता है दूसरी साइड। अब इस एरिया के अंदर क्या होता है कि यहाँ तक तो ऑयल चलता ही है, यहाँ तक तो ऑयल आता है। अब ऑयल आने के बाद क्या होता है कि यहीं पर थोड़ा सा गैप हो गया हल्का सा, क्योंकि जब खोली तो ये हमारे जो रिंग है ना, एक टॉप वन और एक टॉप टू होता है। तो कई बार रिंग के ऊपर भी टॉप टू लिखा होता है, कई बार नहीं भी होता है। तो इसके अंदर क्या हुआ है कि जो यहाँ पर लिखा है पिस्टन ग्रुप, आप पढ़ सकते हैं, ये टू एंड मतलब ये लास्ट में पड़ेगा नीचे की साइड, और ये हमारा है टॉप वन का रिंग। तो इसमें लिखा भी है टॉप पर ये लगेगा, मतलब पहले नंबर पर यही लगेगा हमारा जो टॉप वन का ऊपर शो कर रहा है। तो मैं फटाफट टॉप वन का ऊपर डाल लेता हूँ और ये नीचे, तो ये लगाऊंगा मैं। बाकी फ़र्क क्या होता है टॉप वन में और टॉप टू में, वो मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो के जरिए बताऊँगा। तो अभी जो मैंने रिंग लगा रखे हैं नीचे वाले, वो हमने एग्जॉस्ट की तरफ एक रिंग इस वाली दिशा में करना है, एक वाला रिंग, एक रिंग हमें इस वाली दिशा में करना है। तो ये मैंने दोनों इस दिशा में कर लिए। अब जो हमारे, आप एक बार ऐसे देख सकते हैं, मैंने मार्क भी लगा रखा है कि एक एक इस दिशा में, एक इस दिशा में, ठीक है। ये दोनों हो गया हमारा। अब बचे हमारे जो कंप्रेशन रिंग है वो वाले, तो ये अभी दोनों का मुंह एक ही साइड है, तो मैं एक को घुमा लेता हूँ इस वाली दिशा में इधर से, और एक को घुमा लेता हूँ इस वाली दिशा में। एक मैंने इस दिशा में कर लिया, इस दिशा में, और एक इस दिशा में। तो यही है इसका मेन तरीका एकदम। और अब हम ये कैसे पता करेंगे कि पिस्टन को सीधा कैसे, मतलब उसका जो नंबर वगैरह है या फिर ये निशान वगैरह होता है वो किधर से सीधा करेंगे। तो ये जो आप देख सकते हैं पिस्टन के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं सीधा, इधर से देखा लाइट आ रही है। तो ये आपने क्या देखना है कि यहाँ पर ना कोई एक ए बना होगा या फिर ए बी सी डी का कोई भी एक अक्षर होगा, तो वो एक्चुअली क्या होगा कि वो अक्षर जो है ना हमारा क्लच की साइड होगा, लेफ्ट साइड की तरफ, जो एल एच कवर है उधर की साइड होगा, एल एस साइड के लिए जो हमारा अक्षर बना होगा। बट जो अक्षर हम सीधा पढ़ेंगे वो हमने राइट साइड की तरफ देख करके पढ़ना है, आर एच साइड की साइड। तो अब मुझे ये पी इधर से सीधा दिख रहा है और पी इधर लिखा हुआ है, तो ये पिस्टन जो है अभी सीधा है, इसकी यही एक पहचान है। बाकी आपने नंबर वंबर कुछ नहीं देखना, नंबर कई बार उल्टे टेढ़े होते हैं लिखे हुए, बट जो अक्षर है वो एल एच साइड की तरफ सीधे लिखा लिखा हुआ होगा, और राइट साइड की तरफ को हमने सीधा पढ़ना है जो भी लिखा है। तो
तो ये पिस्टन का सीधा सिस्टम है। अब मैं इसको ऑयल डाल के और पैकिंग ला के सिलेंडर को सेट कर देता हूँ, फिर आपको दिखाऊँ। तो फाइनली इसके अंदर जो सिलेंडर मैंने फिट कर दिया, पिस्टन वगैरह बिल्कुल सेट हो गई है। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।